Hey guys, assalamu alaikum everyone, welcome back to my channel and those who are new, welcome to my channel. And today I am just organizing my stationery and you can say that all the books, because बहुत ज़्यादा mess हुआ था वो books organizers में, क्योंकि मैं ज़्यादातर table पर ही पढ़ती हूँ. लेकिन मैंने अपने organizer साथ एक अलमीरा टाइप है वहाँ पर अपने रखे हुए हैं. लेकिन वहाँ पर जो books हैं जो मैं read करती हूँ related to my academics और वैसे भी motivation के लिए कुछ books हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा बिखरी हुई थी. सो आई एम जस्ट ऑर्गेनाइजिंग ऑल द थिंग्स. और अभी यहाँ पर ये मेरे पास एक ग्लास जार था जिसमें मैं अपनी स्टेशनरी की कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो कि मुझे ज़रूरत पड़ती हैं वो रख रही हूँ. और मेरे कुछ हाइलाइटर्स थे, तो दूसरे जो जार है सेकंड जार, उसमें मैं अपने डिफरेंट हाइलाइटर्स वगैरह रखूँगी. और जो रूटीन के पेंस हैं जो मैंने ये बॉक्स बनाया था, ये बेसिकली फ़ोन केस से बना हुआ है और उसी में ही मैंने अपने रूटीन के पेंस रखे हुए हैं. तो अभी बस मेरे पास जो कुछ ऑर्गेनाइज़र्स वगैरह सॉरी हाइलाइटर्स थे वो मैंने ग्लास जार्स में ऑर्गेनाइज कर लिए थे. सो लेट्स मूव टू ऑर्गेनाइजिंग ऑल द बुक्स जो के ऑर्गेनाइज़र्स में पड़ी हुई थी. और ये जो थी ये जो पीछे ऑर्गेनाइज़र हैं, ये भी मैंने बॉक्स था कार्डबोर्ड का उसी से ही बनाए थे. नॉर्मल सिंपल से बॉक्स हैं और इसके ऊपर मैंने कोई शीट वगैरह रैप नहीं की, क्योंकि मुझे कि न्यूज़पेपर वाला डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा लगता है. ये मैंने एक छोटा सा कुछ डेली रूटीन का जो मैं पढ़ रही होती हूँ, रीडिंग बुक्स रीड कर रही होती हूँ उसके लिए रखे थे. तो ये मैं रीड कर रही थी आजकल बुक, तो इस वजह से मैंने इसमें ये ऑर्गेनाइज किया है. और बाकी जो पीछे की बुक्स हैं अभी हम वो ऑर्गेनाइज करते हैं. और ये जो सामने नज़र आ रही हैं बुक्स कॉस्ट वगैरह की ऑडिट की, ये मेरी डेली रूटीन की बुक्स हैं. So let's organize all these books now. Save me, I'm running out of air. I'm running out of air. I'm running out of air. So the main reason of organizing all my stuff is because कि आज हमारी कज़न की दावत थी हमारे घर, तो इस वजह से मैंने सोचा कि वैसे भी टाइम वेस्ट होगा तो चलो कर लेते हैं. और बस यहाँ पर मैं उनको मेहंदी लगाई मैंने और देन हम उनको छोड़ने गए और बस वो घर चली गई. बहुत मज़ा आया. और इसके बाद हम हल्की फुल्की वॉक के लिए निकले थे क्योंकि रोड की कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट एंड हो गई थी. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो गिव इट अ बिग थम्स अप.